देखो बच्चों, आज मैं आपको 11 इंग्लिश में ऐसे करा रहा हूँ, दैट इज वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस में साइंस के चमत्कार, फर्स्ट टर्मोलॉजी जो आएगी दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। इट इज द एज ऑफ साइंस, यह है विज्ञान का युग है, विज्ञान का योग है। साइंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। साइंस हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इट हैज मेड अवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। इसने हमारी लाइफ को, जिंदगी को क्या कर दिया है? कंफर्टेबल बना दिया है। कंफर्टेबल यानी आरामदायक बना दिया है, आरामदायक। इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड अवर लाइफ स्टाइल। इसने हमारी जीवन शैली को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। टुडे इफ अवर एंसेस्टर विल सी दिस वर्ल्ड, दे वॉन्ट इवन बिलीव दैट दे लिव्ड इन दिस वर्ल्ड। एंसेस्टर यानी पूर्वज। अगर हमारे पूर्वज आज हमारे को देखें तो वे विश्वास नहीं कर सकते कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं। इट हैज गिवन अस मैनी थिंग्स दैट वेयर इम्पॉसिबल फॉर अस। विज्ञान ने हमें उन चीजों को दिया है जो कि अभी हमारे लिए संभव नहीं थी। साइंटिफिक इन्वेंशन यानी विज्ञान के आविष्कार। इन्वेंशन यानी क्या आ जाता है? आविष्कार के इक्वल हो जाता है। साइंस हैज डन मेनी ग्रेट इन्वेंशन एंड इट इज डिफिकल्ट टू काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस। साइंस ने बहुत सारे आविष्कार किए हुए हैं और उनके आशीर्वाद यानी ये हो जाता आशीर्वाद ना, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, ठीक है। उसकी जो उसने हमें दिया हुआ उसको काउंट करना मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेट डिस्कवरी ऑफ साइंस। बिजली जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इसका खोज है। टुडे वी कैन नॉट इवन इमेजिन अवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प अस मैनी वेज, इट हैज द नीड ऑफ ऑल फील्ड ऑफ वर्क, ठीक। यह हमारी जिंदगी के हर फील्ड में सहायता करती है। इट लाइट्स अवर हाउस एंड वॉशेस अवर क्लोथ्स, इट वार्म्स एंड कूल अवर रूम, इट रन्स मेनी मिल्स एंड फैक्ट्रीज। यह हमारे घर में लाइट देती है, कपड़े वॉशिंग मशीन से दोनों में हेल्प करती है, कूलर वगैरह चलवाते हैं तो ठंडा और गर्म रखती है, और यह जितनी भी फैक्ट्रीज हैं मिले उनको चलाती है। मैनी ट्रेन्स एंड अदर व्हीकल्स आर आल्सो पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं वो सब भी हमारी और अदर व्हीकल है वो बिजली की सहायता से चल रहे हैं। डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। साइंस के डिसएडवांटेज। साइंस मेक अवर डेली लाइफ इजी बट एवरी कॉइन हैज टू साइड। एवरी कॉइन टू साइड का मतलब होता है हर पक्ष के दो पहलू होते हैं। साइंस हैज अ डार्क साइड टू। न्यूक्लियर बम कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड इन अ फ्यू सेकेंड। निगेटिव साइड यह है कि न्यूक्लियर बम 2 सेकंड में पूरी दुनिया को समाप्त करता है। व्हीकल सच एज कार, बस, ट्रक, बाइक्स आर डूइंग सो मच पॉल्यूशन। ये सारी उत्तर चीजें, कार हैं, बस हैं, ट्रक हैं, ये सब क्या कर रही हैं? पॉल्यूशन यानी क्या करती हैं? प्रदूषण फैला रही हैं। दैट कैन लीड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो इस दुनिया को समाप्त करने के लिए तैयार है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड मैनी व्हीकल्स सच एज ट्रक, JCB एक्सेट्रा दैट मेक ट्रांसपोर्ट सो इजी। साइंस ने बहुत सारे व्हीकल बनाए हैं, जैसे ट्रक है, JCB मशीन है ना, ट्रेन है, सारी, जिसने हमारी जिंदगी को सरल बना दिया। विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीकल मैन कैन इजली ट्रांसफर थिंग इवन सो मच फॉर द स्पेस। आदमी एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूरी तक आराम से जा सकता है, ठीक है। कंप्यूटर देखिए,
ये किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर कैन सॉल्व एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन इन जस्ट अ फ्यू सेकंड। आज है ना, आप जानते हैं बहुत सारे कैलकुलेशन ये तुरंत कर सकता है। कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू डू कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल फील्ड सच एज इंफॉर्मेशन कंपाइलिंग, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल एयरपोर्ट। कंप्यूटर ऑल्सो प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन अवर ऑल फील्ड ऑफ वर्क। जैसे अभी मैं पढ़ाए रहे हूँ तो आपको कंप्यूटर ठीक नेट के माध्यम से करा रहे हैं, आज मोबाइल है, इन सब में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। तो कंप्यूटर हमारे को हर चीज़ में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट में, सब जगह हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। ठीक है, कंक्लूजन यानी क्या आ जाता है? उपसंहार। ठीक, इसका मतलब यह जाता है, साइंस में अवर डेली लाइफ इजी बट इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इफ इट इज यूज्ड इम्प्रॉपरली। साइंस ने हमारी बहुत मदद की है लेकिन अगर हम इसका अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो यह पूरी दुनिया को क्या करेगा? खत्म कर देगा। वी शुड यूज साइंस प्रॉपरली अदरवाइज द होल वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड। हमें साइंस का उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए वरना साइंस हमारी जिंदगी को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, तो बच्चों इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे दो तीन ऐसे आपको तैयार करके रखना है।